जरीन ने बहुत अपनी चला ली, अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। अच्छा, पर मामी को आपका फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। उसकी माँ जो कहती है बस वो वही बोलता है। अम्मी, क्या सब शोहर ऐसे ही होते हैं? सबको अपनी माँ सलीकामंद और बीवियां पुअर नजर आती हैं। अम्मी, वो मेरा ख्याल तो रखेगा ना? हाँ, मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना? तौबा, इस गर्मी ने तो मुझे झुलसा दिया। मुझसे नहीं होते अब किचन के काम। तुम काम नहीं करोगी तो फिर और कौन काम करेगा? खान सामा करेगा। किसका खान सामा? अरे, आपका खान सामा जो आप रखेंगे, जो रात दिन हमारे घर के सारे काम करेगा। हो, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि तुम्हारे घर में खान सामा भी काम किया करता था, और तुम्हें अभी तक वही आदत थी, इसलिए बगैर कुक के काम करना तुम्हें मुश्किल लग रहा है ना? भाई देखिए, मेरी बात सुने, आपने अभी तक खान सामा नहीं रखा ना, इसलिए आपको आइडिया ही नहीं है कि खान सामा के कितने फायदे होते हैं। आप एक दफा रख के तो देखे ना। सर, हमने हमेशा अपनी माँ को घर के सारे काम काज करते देखा। उन्होंने मोहब्बत से पकाया, मोहब्बत से खिलाया हमें, और हमारे घर में ऊपर के कामों के लिए एक मासी आती तो है ना। हम लोग मासी के हाथ की पकी हुई ना रोटी खा सकते और ना सालन। भाई, मेरे हाथ में तो जायका ही नहीं है। आपको मेरे हाथ के पके हुए खाने कहाँ पसंद आते हैं? हाँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे दिल में मोहब्बत से कुछ करने की चाह तक नहीं है, जो कि मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। रजा, आज बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर छोड़ दो। ये तो तुम्हारे रोज का मामूल है, कोई नहीं बात करो यार। तो क्या मैं घर नहीं जाऊं? नहीं, मतलब तुम्हारे पास बैठी रहूं? काश। रजा, तुम मुझे सारी जिंदगी इतनी मोहब्बत करते रहोगे? तुम्हें शक है क्या मुझे? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं और अपने रजा पर शक करूं? हो ही नहीं सकता। अरे, ये किसका फोन आ गया? हेलो जी, साजिद बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा यार, तुम लोग पहुंचो। ओके, बाय बाय। साजिद? पर तुम्हारा नाम तो साजिद नहीं है। अरे वानिया, ये मेरे बचपन का नाम। मतलब तुम्हारे दो नाम?
और निकनेम तो इससे भी ज्यादा। रिलैक्स, यू वांट टी? हाँ बट प्लीज जल्दी, जो देर हो रही है। अरे अदनान के दिमाग में तो खन्नास भरा हुआ है, ऐसे ही कंजूस लोगों को तो कहा जाता है, बेशक चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अम्मी ना तो वो खानसामा रखेंगे और ना ही मेट। अब आप मुझे बताएं मैं करूं तो क्या करूं, सास साहिब हैं, उनकी कमजोरी किसी सूरत खत्म नहीं हो रही। नहीं, अगर मैंने ऐसा किया ना तो सारे घर वाले मेरे आगे हाथ जोड़ लेंगे कि खुदा के लिए सारा तुम किचन में मत जाना। अरे यही तो मैं चाहती हूँ, इसी को तो कहते हैं राज करना। वाकई? वैसे मजा बड़ा आएगा। अब तो चला भी नहीं जा रहा, थक गई हूँ मैं, चक्कर आ रहे हैं। वो ब्लड प्रेशर तुम्हारा नॉर्मल होगा तो तुम खुद ब खुद चल पाओगी। आंटी मैं आपके लिए कॉफी बना दूं? नहीं, कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं कर रहा। अगर आप कुछ खाएं पिएंगी नहीं तो जिस्म में ताकत कैसे आएगी, हर चीज से आप थोड़ी हाथ खींच सकती हैं। अच्छा थोड़ा सा कुछ पी लेती हूँ, मैं बना कर लाती हूँ। हाँ बैठ। मैंने कॉफी का पूछा तो फट से इनकार कर दिया, अंकल ने पूछा तो फौरन राजी हो गई। चले भाई ना माने बहू की बात, मगर कम से कम जल्दी से ठीक तो हो जाए, पूरे घर को अस्पताल बनाया हुआ। अम्मी मैं अपने बच्चे का नाम ना वली रखूंगी, मुझे वली नाम बहुत पसंद है, मोहम्मद वली। ये बात तुम इसलिए कह रही हो ना कि सारिम की शक्ल अदाकार वली से बहुत मिलती है? जी नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये नाम मुझे तब से पसंद है जब मैं सारिम से मिली तक नहीं थी। अच्छा तो फिर तुम बच्चे का नाम सारिम से मिलता जुलता क्यों नहीं रखती जैसे आजम? जी नहीं, मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उस शख्स के नाम से अपने बच्चे का नाम मिलता जुलता वह क्यों रखूं जिसे वो कभी देखेगा भी नहीं, जिसे वो कभी पुकारेगा भी नहीं, वो शायद वो उसे कभी अपना बच्चा मानने से भी इनकार कर दे। मुझे क्या जरूरत पड़ी अम्मी? अरे बाबा माफ कर दो, मैंने कह दिया ना नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती बस। हाँ हाँ नहीं चाहिए मुझे कोई गिफ्ट, मेरा घर से बाहर निकलना नामुमकिन है। प्लीज अब तुम मुझे फोन मत करना। किसका फोन था पुत्र? दादी जान मेरी सहेली का फोन था, कंबाइंड स्टडी के लिए बुला रही थी लेकिन मैंने मना कर दिया। चंगा की था,
साथ बैठ के तो गप्पे लड़ाई जाती है, पढ़ाई थोड़ी होती है। जी दादी जान, इसीलिए मैंने मना कर दिया। बेटा तुम्हें परेशान होने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम खाओ पियोगी नहीं तो बच्चा तो कमजोर होगा। मम्मी मुझे बहुत परेशानी हो रही है, डॉक्टर की भी कॉल आई थी, वो भी ये कह रही थी कि अगर मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी तो कहीं बच्चा वीक। अरे बच्चा वीक होना कोई खतरे की बात नहीं है, ये तो माओ पे डिपेंड करता है कि वो उसकी देखभाल कैसे करती हैं। तुम्हें पता है जब तुम पैदा हुई थी तो सिर्फ 4 पाउंड की थी और उसके बाद माशाल्लाह तुम इतनी क्यूट और हेल्दी हो गई थी कि राह में चलते हुए लोग भी रुक के तुम्हें प्यार करते थे। अच्छा। अम्मी मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं? इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। तो बैठो मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ। जरी मैं तुम्हें एक मशवरा दूं? जी फरमाइए। तुम ना वानिया के कमरे में रात को सोया करो, बल्कि कोशिश करो कि दिन में भी उसके कमरे में रहो। अच्छा तो अब आपको मेरा कमरा चाहिए? मुझे क्या जरूरत पड़ी तुम्हारे कमरे की? जाहिर है मास्टर बेडरूम में इतना बड़ा कमरा है, उस पे नजर है आपकी। तुम अपने कमरे में ताला डाल के ना चाबी अपने गले में लटका लो, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारे कमरे की। अरे अम्मा जरा सोचिए तो सही कि वानिया पढ़ने लिखने वाली बच्ची है, उसका कमरा अलहदा होना चाहिए वरना वो डिस्टर्ब होगी। तुम गलत कह रही हो, जवान लड़की को मोबाइल लैपटॉप अलहदा कमरा, देखे तुम इतना मुतमइन कैसे हो गई हो? मैं ये देख रही हूं कि तुम्हें अपनी लड़की पे जो नजर रखनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं रख रही। मुझे उस पे नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो अपने जमाने में लड़कों पे भी नजर रखा करते थे, हालांकि उस दौर में लड़कों की कोई मसरूफियात नहीं होती थी। अम्मा आपको तो कभी भी किसी पे इतबार रहा ही नहीं है, आप अपनी मसाल लेकर क्या बैठ गई? अब मेरा मुंह ना ज्यादा खुलवाओ, मैं जो कह रही हूं ना उसे समझने की कोशिश करो। मेरी वानिया कैसी है मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं, और वैसे भी वो लड़कियां बिगड़ती हैं जिनके पास कुछ ना हो, और मेरी वानिया के पास सब कुछ है। तुम तो अपने आप से वाकिफ नहीं हो, अपनी बेटी को कैसे जानोगी? कहना क्या चाहती है साफ साफ बताएं, क्या अपनी पोती पे इल्जाम लगा रही है? नहीं मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि अपनी आंखें जरा खोल के रखो। इस तरह की बातें करके मुझे डराया जाए? आप क्या समझती हैं कि इस तरह की बातों से मैं डर जाऊंगी? अरे बुढ़िया सठिया गई है तू।
असफर भाई, समीना भाभी की वजह से सारा कुछ हुआ है, आप गलत समझ रहे हैं। एनी का घर तबाह समीना भाभी ने किया है। जी जी, अगर आप यहां पर होते ना तो एनी के मुंह पे थप्पड़ मारकर उसे उसकी ससुराल छोड़कर आते। असफर भाई, मैं आपकी जगह नहीं ले सकती। नो, नेवर। आप खुद आए और आके फैसला करें। खुदा हाफिज। हेलो, मेरे मामलात में बोलने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनल मसला है। मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, ये मैं बेहतर तरीके से जानती हूं। एनी, किसका फोन था? एकेडमी से फोन था, मैडम रुबीना का। क्या कह रही थी वो? अम्मी मुझे रोजाना फोन करती हैं और मुझे कहती हैं कि मैं अपना अबॉर्शन करवा लूं। अल्लाह ना करे। उनका कहना है कि मैं अपने आप को मजीद मुश्किलों में डाल रही हूं। बेटा, आसानियां पैदा करने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे नसीब में मुश्किलें लिखी हैं, तो उसको कोई टाल तो नहीं सकता। लेकिन उसकी वजह से मैं अपने वजूद में पलने वाले बच्चे को तो नहीं मार सकती ना। नहीं यार निवेद, नहीं। आज की औरत अपने आप को कमजोर नहीं बल्कि बहुत पावरफुल समझती है। किसी जमाने में ऐसा होता होगा कि शौहर को घर का साहिबान समझा जाता होगा, लेकिन अब नहीं। आज की औरत खुद ही अपने घर का साहिबान भी है और सुतून भी। और अगर घर का सुतून हिल जाए तो फिर वो क्या करेगी? इत्तेफाक, और ये इत्तेफाक किसी के साथ भी हो सकता है और कहीं भी। मगर सारे, मुझे फिर भी अफसोस होता है तुम्हारी इज़्दवाजी ज़िंदगी को देखकर। यार शायद मेरी गलती थी, क्योंकि मैं उसे समझ ही नहीं पाया, उसे पहचान ही नहीं पाया। यार एनी में तो शुरू से ही फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, जो भी उसका दिल चाहता वो करने की आदत थी। शायद एनी वे, यार जो भी हो रहा है बुरा हो। नहीं, मुझे नहीं जाना वानिया के पास। पता नहीं वो अपने आप को समझती क्या है। वानिया बेवकूफ जरूर है, लेकिन बहुत अच्छी बच्ची है। मेरी पोती जब हंसती है ना, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा मुन्ना मेरे सामने हंस रहा हो। नानू, कोई मुझसे दो कदम दूर जाए ना, तो मैं उससे चार कदम दूर चली जाती हूँ। तुम यहाँ नाराज होने के लिए तो नहीं आई ना? अब मेरा दिल यहाँ पर नहीं लगता, दिल चाहता है कि वापस चली जाऊं। कैसे जाएंगे आप जब मैं आपको जाने नहीं दूंगी? शाबा, चलो ना लूडो खेलते हैं, फिर मैंने तुम्हें हराना भी तो है। नहीं, मेरा मूड नहीं खेलने का। शाबा माफ कर दो, गलती होगी, माफ कर दो, प्लीज मान भी जाओ। ठीक है, चलो लूडो खेलते हैं। सारा सूट तैयार हुआ कि नहीं?
नहीं, मैंने तो चढ़ाया ही नहीं अभी तक। नकाहत के मारे अम्मी से बोला तक नहीं जा रहा है, कुछ तो दो उन्हें। अच्छा आप फिक्र नहीं करें, मैं जल्दी से बनाकर लाती हूँ। आंटी ने तो वाकई बिस्तर पकड़ लिया, वरना घर के सारे काम कैसे हो जाते थे मुझे पता ही नहीं चलता था। एनी, तुमने पहले भी मेरी बात को अहमियत नहीं दी, मैं अब भी यही कहूंगी कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, और अगर मुकद्दर में कोई दुख लिखा हो तो उसे कोई नहीं टाल सकता। अरे इसका मतलब अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। क्या मतलब? अरे मुबारक हो, मुझे लग रहा है तू बहुत जल्द अपनी साथ से फारिग होने वाली है। महीने में 4 प्रोजेक्ट डन हुए, बस एक बाकी, वो भी हो जाएगा। अगर ये रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए, ये कितने